खींच हो अपने अनादि स्वरूप की ओर आत्माएं खींची जाएं और सर्व आत्माएं अपने घर को वापिस लौट आए। So that all the souls, ताकि सर्व विश्व की आत्माएं think about the world of peace, विश्व शांति के बारे में सोचें, world of love, happiness, एक प्यार भरे, प्रेम भरे, खुशियों भरी दुनिया के बारे में। So that we can collectively और हम सब आत्माएं मिल करके create the new world, एक नए विश्व की स्थापना करें, world of purity, peace, happiness, ऐसा विश्व जो पवित्रता भरा है, शांति भरा है, खुशी भरा है। It is the time for transformation. अभी परिवर्तन का समय है। And we all have to be instrument. और हम सबको उसमें निमित्त बनना है, उस परिवर्तन में हम सब आत्माएं उसके निमित्त हैं। And emerge our original deity संस्कार्स और हमें अपने आदि देवी देवता संस्कार स्वभाव बनाना है। We take drishti and blessings from Baba. अभी हम बाबा से दृष्टि लेते हैं, वरदान लेते हैं। And then we light house of mind. और लाइट हाउस और माइट हाउस बन करके बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोल रहे हैं अभी। There is deep connection. एक बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे संस्कारों और हमारे स्वभाव का। और हिंदी में नेचर को स्वभाव कहते हैं। But now, लेकिन अभी we are creating, cultivating, transforming the nature. हम अपना स्वभाव बना रहे हैं, परिवर्तन कर And रहे हैं naturally change और our संस्कार. उससे हमारे संस्कार स्वाभाविक रीति से ही परिवर्तन हो जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे, दैवी संस्कार बन जाएंगे, शांत स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। तो हमें उसके लिए तो हमें संस्कार को बनते हुए देखने के लिए नहीं इंतजार करना है, लेकिन हमें अपने संस्कार को, स्वभाव को परिवर्तन करते जाना है, उसको परिवर्तन करते जाएं और उससे वो नए दिव्य संस्कार अपने आप बनते जाएंगे। So we had been तो हम किस पर ध्यान दे रहे थे अभी? Intentions and the अपने अपनी भाव भाव और भावनाएं पर हम ध्यान दे रहे हैं। हमारी भावनाएं, हमारे भाव बहुत पवित्र होने चाहिए, बहुत शुद्ध होने चाहिए। और उसके अलावा और हो ही क्या सकता है? हमारे अगर भाव भावनाएं पवित्र हो गए, उसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहता। हम बाबा के बच्चे हैं, हमें मालूम है कि त्याग किसे कहते हैं। हमें बहुत जल्द पता चल जाता है कि अगर कोई किसी की अपेक्षा, अगर हमारी भावनाओं में कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, तो हम जान जाते हैं। लेकिन हम में से हर कोई कम से कम अपने आप से ये बोल सकते हैं कि मेरी भावनाएं अच्छी हैं, इतना तो हम हैं। क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हम अंदर से बहुत एक स्थिर हो जाते हैं,
बहुत अच्छे लडोल बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कुछ चीज समझ में ना आने के कारण कुछ ऐसी बात हो जाए, या फिर या आपने कुछ बोला और दूसरे ने कुछ और समझा, या आपकी वो इच्छा नहीं थी या आपकी वो भाव नहीं था और दूसरे को दुख पहुंचा, लेकिन अंदर से आप हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि आपका भाव ठीक था। तो फिर आगे अगर आपकी भाव आपका भाव शुद्ध है, पवित्र है, तो आपकी भावनाएं भी शुद्ध रहेंगी। और शुभ भावनाएं बहुत आवश्यक हैं हमारे स्वयं की जिंदगी के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सब कुछ अपनी भावनाओं के आधार पर ही आप वो अनुभव करते हैं। तो आपके अंदर में जो वो लाइट है, जो हल्कापन है, उसका आधार हमारा भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाएं, शुभ भावनाएं, और वो हमारे अंदर का हल्कापन हमें हमेशा हर्षित मुख रखता है। हम हमेशा अपने आप अपने सामने लाते हैं ब्रह्मा बाबा को, या फिर जब अव्यक्त दादा से और दादा से हम दृष्टि लेते हैं तो देखते हैं कैसे एक स्वाभाविक हर्षित मुखता रहती है, खुशी रहती है उनके चेहरे पर। तो ये जैसे कि बहुत गहरी रीति से जुड़ा हुआ है हमारी शुभ भावनाओं के साथ। कभी कभी आप बताए कि आप दूसरे को मदद करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा होता नहीं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आप अपने अंदर झांक के ये देख सकते हैं कि हाँ, हम तो कुछ अच्छा करना चाहते थे। उससे आपको बहुत हल्कापन अनुभव होता है और आप खुशी में रहते हैं। तो अपने नेचर को बहुत लाइट हार्टेड बनाना है, बहुत अपने स्वभाव को हमेशा के हर्षित मुख बनाएं। और ऐसा स्वभाव हो तो वो सबको पसंद आता है, क्योंकि उससे वातावरण बहुत अच्छा, बहुत प्रेम स्नेह भरा हो जाता है और बहुत उसमें शक्ति भर जाती है। क्योंकि जो संगम युग का जीवन है हमारा, तो बाबा बोलते हैं चलिए कि ये वो हमारा खुशी खुश रहने का, खुशियां मनाने का, मौज मनाने का जीवन है, ना कि हमें मूझना नहीं। तो संबंधों में हमेशा क्या होता है, बहुत बार अगर उसमें बहुत हल्कापन रहे, लेकिन अगर आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा लडोल हैं, उसका मतलब है कि आपको ज्ञान की बहुत अच्छी तरह से समझ है, और उस समझ से आप अपने आप को बहुत अचल अडोल बना सकते हैं। तो उसी को ही मैच्योरिटी कहते हैं, समझ कहते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है, सहन शक्ति गुण। और सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि हाँ हम किसी के अधीन हो रहे हैं, लेकिन सहन शक्ति का मतलब है कि हम जानते हैं कि हम ये मानते हैं कि हम सब अलग 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 हैं और सबको अपनाते हैं। तो आप सहन शक्ति द्वारा आप सब चीजों को समझ सकते हैं। और दूसरी है संतुष्टता की शक्ति। If you are making good efforts, अगर आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और अगर उसमें सफलता मिल गई है और आप कर पा रहे हैं जो आपको करना है, तो उससे बहुत संतुष्टि आपके अंदर भर जाएगी। तो स्वभाव
हमारा हर्षित मुख रहना चाहिए, स्वभाव हमारा खुशी भरा रहना चाहिए, और सहन शक्ति का गुण होना चाहिए और संतुष्टता भी होनी चाहिए। भले हम बहुत कम लोग हैं परिवार में, जहाँ भी रहते हैं हम, हमारे परिवार में बहुत कम लोग हों, लेकिन फिर भी हाँ, हम विश्व सेवाधारी हैं, हमें बेहद में सोचना है। ब्रह्मा बाबा को अगर देखें तो उनकी स्वाभाविक सहन शक्ति थी उनकी, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ उनके खिलाफ किया गया, बहुत सारे टेस्ट पेपर आए, इवन प्रकृति की ओर से भी बहुत सारे टेस्ट पेपर आए, लेकिन हमने हमेशा उनको देखा, ब्रह्मा बाबा हमेशा हमेशा उनको निश्चय था कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे साथ भगवान है, इसलिए विजय विजय हो निश्चित है, तो इसलिए वो बहुत अचल अढ़ोल थे। शुरू में माउंट आबू में बहुत कम सुविधाएं थी, तो क्या लकड़ी पर, लकड़ी के चूल्हे पर बनाते थे, तो उससे बहुत धुआं उठता था। तो मुझे याद है कि हमारे ग्रुप को भोजन बनाने की सेवा करनी थी, तो बहुत बड़े बड़े दाल के और चावल के पतीले में बनाना था, तो बहुत धुआं उठता था। तो विश्व रतन दादा आते थे और वो चपाती बनाने में मदद करते थे। And he had, as if he's enjoying, there was no, nothing और like, all right. उनको ऐसा देख के लगता था कि उनको बहुत मजा आ रहा है, कुछ धुएं का असर ही नहीं हो रहा है। So many things when I think of when I went. अगर मैं देखूं कि जब मैं गई थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी बहुत सा नशा था सबके अंदर, जैसे बहुत ठंडी थी उस समय वहां पे, और कोई साधन या सुविधाएं कम थी गर्मी रखने के लिए। तो सहन शक्ति उस स्थिति से अगर देखें तो बहुत कभी समय ऐसा भी आएगा जब, जैसे मैं किसी के साथ बात कर रही थी जो टेक्सास से हैं, तो वो कह रहे थे कि अभी जिस जैसी ठंडी आ रही है वहां पे पिछले हफ्ते से, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो किसी ने भी ऐसा सामान नहीं रखा उसके लिए, जैसे गर्म ठंडी के कपड़े नहीं रखे, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में सहन शक्ति की आवश्यकता है, शारीरिक सहन शक्ति, बहुत कम साधनों से भी गुजारा करना, और सहन शक्ति से आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, आप मजबूत हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। अगर आप मनसा रीति से अगर मजबूत हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप मनसा से कमजोर हैं तो शारीरिक रूप से भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो शरीर का जो इम्यून सिस्टम है जिससे आप ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आगे चलकर हमें मालूम नहीं क्या कुछ आ सकता है, तो बहुत सारे टेस्ट पेपर आ सकते हैं आगे चलकर। अभी तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास सब कुछ है, बहुत सारे ऐसे देश हैं विश्व में जिनमें कुछ भी नहीं है जिनके पास, लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो जीवन जीते हैं, खुश रहते हैं। हम जानते हैं कि कश्मीर में कितनी बर्फ पड़ती है, कश्मीर में कितने पहाड़ हैं बर्फ के वहां पर, और मैं वहां पर थी 3 साल के लिए,
तो जैसे कोयले से आग जलाते थे वहां पर, तो सच्चे वे इन्हें बास्केट उन्होंने एक कहते हैं। टोकरी में वो कोयला डाल के आग जलाते थे, वो उसको आप उठाकर भी ले सो जा वी सकते कीप हैं अवर हैंड्स वार्म, ताकि हमारे हाथ गर्म रहे उससे। वेरी वेरी हैवी वूलन ब्लैंकेट्स, बहुत बहुत बड़े भारी बिकॉज़ मोटे इट्स कंबल नॉट दैट मच इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते थे, इज क्योंकि पॉटेबल, वहां पे बिजली उतनी नहीं है, गर्मी उतनी नहीं पैदा कर सो सकते हैं पे टॉयलेट्स बिजली। कुड बी ऑफ मेनी डिफरेंट इसलिए टाइप्स। देखा जाए तो सहन शक्ति, तो सहन शक्ति कई तरह की हो सकती है। बट वी हैव टू बी मैच्योर, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। लेकिन हमें मजबूत रहना है, हमें ब्रह्मा बाबा मच्योर होकर लेके रहना आए, है। ब्रह्मा लाइक इन इंडिया, साउथ बाबा इंडिया, कई जगह पर, सब जैसे प्लेस साउथ क्लाइमेट इंडिया इज में वेरी वार्म, वेरी हॉट क्लाइमेट, जैसे बहुत गर्मी होती है दक्षिण भारत में, तो सो एट दैट टाइम देयर वर नॉट मेनी सेंटर्स, उस समय इतने सो नाउ सेंटर वी तो नहीं हैव थे, तो समवन टू गो, बाबा इट्स वेरी किसको वेरी बोलते थे हॉट, तो जाने के लिए, तो वो सो कहते थे नाउ बाबा बहुत गर्मी है वहाँ, या कहीं बाबा बहुत ठंडी यू है, हैव टू बी तो बाबा कहा करते थे नहीं बच्चे, टॉलरेंट ऑफ हीट एंड आपको टेम्परेचर। सहना सहन करना आना चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो आपको सहन करना आना चाहिए। यस यू आर इन सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ, एज आप एवरीवन इज सम्मान में सेइंग, रहते हैं तो बाकी सब आपको सम्मान देते हैं, बट देयर माई बी सम कार्मिक अकाउंट लेकिन समवेयर कुछ कभी कुछ ऐसे कर्म कर्म के बंधन आ सकते हैं, वेयर कर्म भोग आ सकते हैं, यू आर नॉट रिस्पेक्टेड दैट मच, जिसमें आपको सम्मान ना मिले उतना। बट आई कैन स्टे इन सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट, लेकिन मैं अपने सो सेल्फ वी गो रिस्पेक्ट डीपर सम्मान बियॉन्ड में दैट रह फेज, सकता हूँ, वी गो बियॉन्ड दैट, ताकि हम उससे परे जा सकें। समवन प्रेजेस, वी लुक एट बाबा एंड वी सेज बिकॉज कोई बाबा हैज सम्मान दीज करे तो क्वालिटीज, हम देखें कि हाँ बाबा बाबा ने मुझे ये सब गुण दिए हैं। समवन अगर डिफेम्स यू, यू स्टे आपकी ऑफेंडेड, कोई निंदा करे तो आप सत्य के होल्ड साथ ऑनेस्टी, रहें, और होल्ड ऑन टू ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इफ सत्यता और ऑनेस्ट, इफ यू आर ट्रूथफुल, फरमान बरदार वट एवर डिफेमेशन ईमानदारी के हैपन, साथ इज नॉट चलें, गोइंग टू अफेक्ट कोई यू, भी निंदा हो आप पर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। सो टॉलरेंस इन मैनी मैनी डिफरेंट वेज तो कई तरह एंड की दैट सहन एक्चुअली शक्ति, इज पार्ट ऑफ जर्नी एंड तो मेक्स ये यू भी बेटर एंड जैसे बेटर यात्रा का हिस्सा है, ह्यूमन एंड मैच्योर, तो उससे आप बहुत बहुत मच्योर हो जाते हैं, लाइक बड़े हो लाइक जाते दिस हैं, थिंग यू नॉट स्केयर्ड, राइट, और आप डर डर तो नहीं रहे हैं कोई सुन बट करके कि क्या दीदी क्या बोल रहे हैं, आल्सो ऑलवेज रिमेम्बर लेकिन हमेशा ये याद द गॉड रखिए इज विद अस, कि बाबा हमारे साथ है, बाबाज ब्लेसिंग्स आर विद अस और बाबा के वरदान हमारे साथ एंड हैं, बाबाज ब्लेसिंग्स, बाबाज और हेल्प विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प, यू नो, कीप अस बाबा का वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मदद का हाथ हमेशा हमारे सिर पर सो रहेगा। टॉलरेंस रियली इज ए वास्ट तो सहन सब्जेक्ट शक्ति जैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एंड सेम इज कंटेंटमेंट, और साथ ही संतुष्टता भी, व्हाटएवर आई एम, व्हाटएवर आई हैव, माय फॉर्च्यून, जो भी मेरे पास है देयर इज कंटेंटमेंट, वो जो भी मिलता है बस संतुष्ट रहना चाहिए। इट्स नॉट आई वांट एनीवनस रोल, राइट, आई वांट टू प्ले योर रोल, नो आई कांट, नो, ऐसे नहीं कि मैं किसी और का कांट रोल क्लेम योर बजा फॉर्च्यून, सकूं, ईच वन ऑफ अस वी हैव अब आवर ओन सबका अपना अपना फॉर्च्यून भाग्य है। एंड इट्स रियली वेरी गुड, बट लाइक बाबा सेड, और सबका पार्ट इंस्टेड अच्छा ऑफ है, जैसे चेकिंग योर बाबा सेल्फ, कहते चेकिंग थे अपना अदर्स, चेक चेकिंग करने द के बजाय रोल दूसरों का ऑफ चेक नहीं अदर्स, करने लग जाओ, दिस वन फॉर्च्यून इज कि वेरी उसका गुड, भाग्य ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा योर फॉर्च्यून इज अच्छे ऑल्सो रीति से वेरी है, गुड आपका आपका भाग्य भी एंड यू बहुत कैन अच्छा है, ऑल्सो मेक इट और बेटर एंड बेटर, उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। सो कंटेंटमेंट इज वेरी डीप तो फीलिंग्स संतुष्टता माना बहुत गहरी भावना, एंड संतुष्टता इट्स की बहुत वेरी गहरी इम्पोर्टेंट भावना होनी चाहिए, कंटेंटमेंट, और ये बहुत आवश्यक बिकॉज है, क्योंकि विदाउट कंटेंटमेंट यू कैन प्रोग्रेस, संतुष्टता के बिना आप आगे नहीं बढ़ इधर सकते, यू उन्नति स्टे नहीं कर बिहाइंड सकते। ऑन बोथ साइड्स बट नॉट फॉरवर्ड, आप इधर उधर देख सकते हैं इन लेकिन कंटेंट आगे नहीं बढ़ यू लुक सकते, संतुष्टता फॉरवर्ड, यू मूव में फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ते रहते हैं। यू प्रोग्रेस,
आप उन्नति करते रहते हैं. So some of these qualities we cultivate तो कुछ ऐसी ऐसे गुण और विशेषताएं आप भरते जाते हैं और ये हमारी हमारा स्वभाव बन जाता है, बहुत स्वाभाविक हो जाता है. So that's really what is called. One could be स्वभाव, other is स्वाभाविक. Means एक तो होता है स्वभाव, दूसरा होता है स्वाभाविक, माना नेचुरल, स्वाभाविक, बहुत सहज होता है, कुछ बड़ी बात नहीं होती. So with tolerance you become very natural. And शक्ति के साथ बहुत सहज हो जाता है सब कुछ. So cultivating these qualities in my nature. अपने गुण अपने में धारण करना और अपने स्वभाव से ऐसे संस्कार बनाते जाना कि मैं अगर बात करता हूँ एक रीति से और कुछ भी सोचता हूँ और अपने गुणों को किसी रीति से काम में लाता हूँ तो उससे मेरे संस्कार बनते जाते हैं. तो मैं पुराने संस्कारों को वापस आने के लिए समय नहीं दूं, नए संस्कार बनाता रहूं, परिवर्तन करता रहूं. और उससे फिर हमें मदद मिलेगी, न्यारा और प्यारा बनने में मदद मिलती रहेगी. जैसे बाबू बोलते हैं कमल फूल समान बनने के लिए मदद मिलेगी. तो इस पर चिंतन करें और इस पर ध्यान दें. कल Keep thinking about one of them at least. There are joyful, एक तो है कि हर्षित मुख और सहन शक्ति और संतुष्टता. अगर आप खुश हैं, हर्षित हैं, तो सब अच्छा है. तो उससे आपका स्वभाव बहुत बहुत उसे अनादि स्वरूप का हो जाएगा. कल हमने सोचा, कल हमने बात की अपने अनादि स्वरूप पर और कल हम बात करेंगे अपने आदि स्वरूप पर कि सत्युग में कैसे हम रहते हैं. हमें सत्युग में जाना है तो हम जानना चाहते हैं इसके बारे में. तो हम अपने कमरों से ही आगे सत्युग में चले जाएंगे. कब से हम अपने कमरों में ही बैठे हैं ना, एक साल से अपने कमरों से सीधा सत्युग में चले जाएंगे. इसलिए शायद हमें बाबा ने बहुत अच्छे शुद्ध पवित्र जगह पर रखा है जो कि हम अपने संस्कार बनाते रहे कि यहाँ विश्व के वाइब्रेशन नहीं है, जिसमें किसी को देखना नहीं, मिलना नहीं, लेकिन अपने पर ध्यान देते रहना. तो ये भी ड्रामा का कोई सीक्रेट होगा, राज होगा. हमें तैयार रहना है घर जाने के लिए और फिर सत्युग में आना है. तो हमारा हल्कापन और हमारा हर्षित मुख चेहरा हमारा हमें अपने सत्युग के करीब लेके जा रहा है. ओम शांति. तो अभी कला बहन बात करेंगे. कला बहन बोल रहे हैं ओम शांति. ओम शांति. गुड इवनिंग सभी को. सो वन मोर ऑफ दोस amazing evenings we are having. एक और अद्भुत बहुत अच्छी शाम गुजर रही है जिसे हम अपना सबसे पहला आत्माभिमानी स्थिति का पाठ पढ़ रहे हैं. फिर से अभी 22वां दिन चल रहा है. तो कितना जैसे अच्छा है हमारे लिए. तो आज मैं सुन रही थी तो एक बात जो मुझे समझ आई, जैसे हम बोलते हैं नेचर हमारी नेचर है, तो हम नेचर से सोचते हैं कि जो हमारे अंदर तक बसी हुई है हमारा स्वभाव, जो
जो हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहता है, हमारा स्वभाव, मेरी नेचर है, मेरी तो ये मेरा स्वभाव है, ये बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम मोहिनी दीदी को सुनते हैं जैसे उन्होंने आज बताया, तो लगता है आप आपको बस अपने संकल्पों पर काम करना है, तो अपने स्वभाव में वो गुण हैं हमारे, हमारे संस्कार वो हैं। अगर हम ऐसा सोचें तो उसको इमर्ज करने में, वो संस्कार बनाने में, स्वभाव बनाने में बहुत सहज हो जाएगा। तो संकल्प परिवर्तन और तो रात भर में नहीं हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन संकल्प परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन, वो एक चीज है जो गुणों के साथ आती है। हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा की सब गुण जो विशेषताएं जो पता पड़ती हैं, क्योंकि वो भी विश्व सेवाधारी थे और हम भी बाबा की तरह ही विश्व सेवाधारी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि सबसे पहले दीदी ने जो बताया कि लाइट हार्टेड, बहुत हल्कापन, जब भी कुछ होता है तो हम भारी हो जाते हैं। तो लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना है कि मेरा भाव ठीक हो। हम सबने ये अनुभव किया होगा कि हमने अच्छा सोच के कुछ किया लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ। उस समय हमें निश्चय होना चाहिए कि नहीं, मेरा भाव ठीक था, अच्छा था, ताकि मैं अचल डोल रह सकूं, मैं बेफिक्र रह सकूं और मैं हल्का रह सकूं उसमें। तो ये स्वभाव जो हल्केपन का है, जो खुश रहने का भाव है, वो बहुत उसके अचल डोल रखता है, मच्योर बनाता है, और जो कि बहुत गहरी समझ से आता है हमारे पास। तो मुझे हिलना डुलना नहीं, अचल डोल जाना है। और दीदी ने कहा सहन शक्ति, जैसे सहन शक्ति आत्मा से शुरू करके, लेकिन देखें कि सहन शक्ति से हमें पूरे जीवन में अलग अलग जगह पर उससे मदद मिलती है। जैसे शारीरिक रूप से भी सहन शक्ति हो तो बहुत अच्छा रहता है। और मुझे ये भी अच्छा लगा जो आपने बताया कि ब्रह्मा बाबा का जो संकल्प बताया, कुछ भी हो लेकिन उनको उसका प्रभाव नहीं पड़ता था उन पर, वो हिलते डुलते नहीं थे। तो क्योंकि वो जानते थे कि भगवान मेरे साथ है तो विजय निश्चित है। इतना अच्छा है ना ये संकल्प, जैसे बूंद बूंद जो संकल्प हमें पता चले हैं बहुत अच्छे हैं, जिससे ये गुण धारण करने में बहुत आसानी होती है। संतुष्टता, बाबा कितनी बार संतुष्टता के बारे में बताते हैं मुरलियों में, कितना आवश्यक है कि संतुष्टता रखना। जैसे विश्व में तो कुछ और ही समझते हैं कि और चाहिए और चाहिए, अगर संतुष्टता हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हम बिल्कुल जैसे उसका उल्टा समझते हैं। बाबा ने हमें समझाया है, तो ये बहुत गुण है अच्छे अच्छे जो हम अपने माला में पिरो सकते हैं। ये जैसे सिर्फ गुण ही नहीं, इससे हमारे संस्कार भी बनते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए कल का हम पॉइंट देखते हैं। मैं चैतन्य आत्मा बिंदु प्रकाश का पुंज अपने कमल आसन पर विराजमान, मेरा सर्वश्रेष्ठ, मेरा भाव स्पष्ट और मेरा स्वभाव मच्योर है, समझदार है। मेरा स्वभाव, मेरी नेचर क्या है, कैसी है, समझदारी वाली और एंटरटेनिंग है, दिलचस्प है, खुशमिजाज है, सहनशील है और संतुष्ट है। मेरा स्वभाव कैसा है, खुशमिजाज, सहन शक्ति,
सहनशील और संतुष्ट, ये सब गुण जो हैं मेरे ब्राह्मण लाइफ के की नेचर ऐसी है और एक विश्व सेवाधारी के संस्कार है, ये ब्राह्मण जीवन के की नेचर है और विश्व सेवाधारी के संस्कार। मैं चैतन्य प्रकाश पुंज आत्मा कमलासन पर विराजमान, मेरा स्व श्रेष्ठ, मेरा भाव स्पष्ट और मेरा स्वभाव समझदार है, समझदारी का है। और स्वभाव कैसा है? हर्षित मुख, सहनशील और संतुष्ट। ये सब गुण जो हैं मेरे ब्राह्मण जीवन के नेचर हैं और मेरे विश्व सेवाधारी के संस्कार हैं। And they are the sanskars of a world server. So it's so true that lacking any one of those qualities or jo bhi koi kami ho usse hame agar koi kami hogi to hamari seva ke aade aayegi wo kami, hamari ko sari kamiyan hame nikal deni hai to sab milke विश्व सेवाधारी बने जैसे बाप समान विश्व सेवाधारी। क्योंकि तीन चार गुण बताए गए तो अगर सब पे ध्यान नहीं दे सकते तो कोई भी एक दो चुन के उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब पर ध्यान नहीं देना चाहते लेकिन कोई भी एक उठाकर उस पर काम कर सकते हैं। तो इस पर गहरा चिंतन कर सकते हैं। मोहिनी दीदी बोल रहे हैं तो ये सब गुण जो हम जिस पर हमने बात की जैसा कि वो समझदारी के लक्षण है और अचल अडोल बनने के लिए ये सब गुण आवश्यक हैं। एक चुनकर उस पर काम कर सकते हैं। कभी आप सहन शक्ति पर काम कर सकते हैं, संतुष्टता पर कर सकते हैं ताकि उसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये जैसे बहुत बहुत उसको धारण करना, उसको अपनाना, बाबा चाहते हैं कि अब हम अपनी कमजोरियों को परिवर्तन करें और अपने नए संस्कार बनाएं और अपना बल बल बनाएं। और वो बल कहाँ से आता है? गुणों से। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम इस्तेमाल करें, काम में लाएं और हर रात को देखें कि कैसा रहा। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है ना कि हाँ उसका एहसास कैसा है वो देखें, कैसा महसूस हुआ उसको इस्तेमाल करके, उसको काम में लाने पर कैसा लगता है वो लिखें उसको। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बियादी आदि देव का अगला हिस्सा दिखाया जाएगा। अद्भुत आत्मा की अद्भुत कहानियां आदि देव। आज आठवां हिस्सा। आज की स्टोरी है जब ब्रह्मा बाबा को कोई मारने के लिए आया था। ब्रह्मा बाबा एक निरंतर प्रेरणा के स्रोत थे और अपने बच्चों के लिए समझदारी का
भंडार थे। बाबा हमेशा कहा करते थे, बच्चे धर्म ही शक्ति है, लेकिन हमारी अंदर की शक्ति जो है, जो कि शांति की शक्ति है, वो साइंस की शक्ति पर विजय पालेगी। और उस समय फिर हम पूरे विश्व पर राज्य करेंगे बेहद शांति, बेहद खुशी के साथ, और बेहद राज्य करेंगे। उस समय बहुत ही अभी करीब है। बाबा हमेशा नशे में रहते थे और किसी भी चिंता से मुक्त रहते थे। ऐसी श्रेष्ठ अथॉरिटी के साथ रहकर बच्चे जो थे, मंडली के बच्चे थे, वो ये गुनगुनाया करते थे। सुख की आई घड़ी, प्रभु के साथ प्रीत जुड़ी, सखी रे मेरी सुख की आई घड़ी, मन वश करने मंत्र मिला मुझे, लगी ना एक घड़ी, दिव्य दृष्टि मिली मोहे क्षण में, वैकुंठ आन खड़ी, मैंने कृष्ण से रास करी, सखी रे मेरी सखी सुख की आई घड़ी। सुख की समाधि चढ़ी, सुख की आई घड़ी, मुझे एक न घड़ी लगी, फकीरी मेरे सुख की आई घड़ी, ज्ञान अमृत बिन जिया, जिया घबराए, बिछड़ू ना एक घड़ी, मैं तो अब प्रभु के हाथ, तन मन शुद्ध बिसरी, सुख की आई घड़ी, जब से ओम मंडली गई सुख की आई घड़ी। ओम मंडली के खिलाफ जो पार्टी थी, उन्होंने अभी भी अपना आखिरी दाव लगाने वाले थे। तो अभी उनका क्या प्लान था? ब्रह्मा बाबा को मारना, और जिससे कि यज्ञ खत्म हो जाए। लेकिन उन बेचारे आत्माओं को ये मालूम नहीं था कि ये यज्ञ तो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो एंटी पार्टी जो थी, वो कश्मीर गए, तो उन्होंने वहां पे एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो कि मशहूर था मारने के लिए। तो उनको चुना गया मारने के लिए, बाबा को मारने के लिए। वो सिख था, वो डाकू था, जैसे सिख डाकू। वो बहुत मशहूर था और बहुत ही पक्का था अपने काम में। तो एंटी पार्टी ने उसको भेजा, घर में भेजा, ब्रह्मा बाबा के होम निवास में घर में भेजा। और जैसे आमतौर पर बाबा ने असाइन किया हुआ था कि गार्ड बाहर में बैठेगा गेट पर, तो नीचे के लेवल पर एक बहन भी बैठा करती थी। तो बाबा कभी भी अकेले नहीं होते थे अपने कमरे में, तो कोई ना कोई आसपास होता था उनके काम में, उनको हाथ बटाने के लिए। लेकिन इस आज उस दिन को किसी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो जो गार्ड था गेट पे, वो उनकी मदद करने के लिए वहां चला गया। तो जो बहन रहती थी बाबा के आसपास, वो किचन में गई थी किसी की मदद करने के लिए, और दूसरी एक बहन बाबा के लिए भोजन लेने गई थी ब्रह्मा बाबा। तो रात का समय था, बाबा ने, वो कातिल ने सोचा कि अभी अच्छा समय है काम करने का। तो वो गेट को ऊपर से कूद कर गया और वो ऊपर के फ्लोर पर चला गया, दूसरे माले पर, और बाबा के रूम में चला गया। जब बाबा के रूम में वो घुसा, बाबा अपने डेस्क पर बैठे हुए थे टेबल के पास। तो बाबा बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट लिख रहे थे अपने डायरी में। बाबा ने सामने देखा तो देखा कि उनके हाथ में एक नया आदमी है, उसके हाथ में तलवार है, लेकिन बाबा बिल्कुल
बाबा को डर बिल्कुल नहीं लगा और अंदर में उन्होंने कहा कि अगर शिव बाबा को ये पुराने शरीर को यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो वो आकर के इसकी रक्षा स्वयं करेंगे, ये बाबा की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। तो ये संकल्प के साथ बाबा बहुत निडर रहे और निडरता से उसकी आंखों में देखा। लेकिन जो असैसिन का कातिल था उसको बाबा का फेस, बाबा का चेहरा बिल्कुल दिखा ही नहीं, क्लियरली नहीं दिखा। उसको जो दिखा वो सिर्फ एक जैसे सुनहरी प्रकाश दिखा। वो इधर उधर गिरने लगा, गिरने नहीं लगा लेकिन इधर उधर उसे भटकने लगा। उसको शरीर का भान खत्म हो गया, उसको ऐसा लगा जैसे वो मर गया है और उसको निर्वाण मिल गया है। उसके सब जो भी संकल्प थे वो चले गए और उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। सच्चा पथ दिखला दी तेरे प्रकाश की किरणे बाबा, सच्चा पथ दिखला दी है। Hearing this noise of the sword, तलवार के गिरने की आवाज सुनाई दी तो गार्ड को बुलाया गया। मैंने भाग कर आई, मैंने गार्ड को बुलाया और उसको बोला कि उस आदमी को मेन हॉल में ले जाया जाए। बाबा ने गार्ड को बोला कि उसको सम्मान से लेकर जाए और शांति पूर्वक लेके जाए। तो बहनों ने बोला, कातिल को बताया कि वो भगवान के घर में आया है, अगर उसको अपने पुराने कर्मों का हिसाब चुकत करना है तो वो यहाँ पे कर सकता है। तो उसको बहुत गहरा अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ और उसने बाबा के सामने ये प्रण लिया कि वो अभी से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा और वो तलवार को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो अगले दिन जब एंटी पार्टी वालों को ये खबर मिली तो उन्होंने सोचा कि अभी यज्ञ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो रुद्र यज्ञ का किला ऐसा मजबूत था। Such was the fortress of this Rudra Yagya. Hans saman ban kar tum moti chugte jana, dharan karna gun sabhi se sabko guni banana, is jag ko kare तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों प्यारे। ओम शांति। ओम शांति। शांत होता है ना कि अगर हमारे सामने ऐसा कोई तलवार या बंदूक लेकर आ जाए तो हमें क्या होगा। तो कभी कभी तो हम कॉकरोच को देखकर भी हमें डर लग जाता है। तो हमारे बाबा कैसे थे, इतने निडर थे, निर्भय। बाबा का निश्चय, बाबा पर कितना निश्चय था कि वो बाबा के रथ हैं, उसके बाबा के, इसलिए उसके बाबा ने सबको उसको उनको कितना कितनी रक्षा की। लेकिन सामने वाले को भी कैसी सेवा हुई उसकी, भले ही वो मारने आया था लेकिन कैसी अच्छी सेवा की, उसका भी भला हुआ। तो अगर टीम का धन्यवाद। लेकिन अभी बंद करने से पहले
मोहिनी दीदी थोड़ा कुछ शेयर करना चाहते हैं, सबको याद दिला दें उसके पहले कि कल मंगलवार है तो हमारा अमृत वेला का शेड्यूल सेम रहेगा और शाम को 5 बजे इंग्लिश की मुरली रिवाइज करेंगे, व्यक्त मुरली, और फिर उसके बाद हमारी भट्टी आगे चलती रहेगी। ओम शांति। अभी दीदी कुछ शेयर करेंगे। All of us have read Adidev, but I got. हम सभी ने आदिदेव तो पढ़ी है, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने लिखा है कि जो छोटी छोटी डिटेल में अभी बता रहे हैं आदिदेव से, कभी बस की, कभी अलग अलग कहानियां जो बता रहे हैं, हमने कभी उसको ध्यान नहीं दिया उस किताब में। तो अभी जब हमें सामने दिखाया जा रहा है तो बहुत वो अच्छा क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, तो सबको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं इससे, और आगे बढ़ने में उनको मदद भी मिलती है, जिससे कि अगर ऐसा कुछ हो तो कैसा मुझे शिव बाबा को इन्वोक करना है और शरीरीपन का अनुभव करना है और बोलना है बाबा आपका शरीर भी आपका निमित्त है, आपकी सेवा है, अगर वो चाहिए उस सेवा के लिए तो आप मेरी रक्षा करेंगे। तो जैसे बहुत अच्छा मिसाल है बाबा का, ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि जब आप जो जिस से गुजरेंगे वो पहले बाबा को होगा, क्योंकि बाबा सबसे आगे हैं, तो बाबा सबसे पहले उससे गुजर के जाएंगे, तो सिर्फ विजय ही नहीं लेकिन परिवर्तन। जैसे उस असैसिन ने भी बोला कि मैं आगे से कोई भी दुष्कर्म नहीं करूंगा, विकर्म नहीं करूंगा, वो परिवर्तन हो गया। तो हमें निर्भय होना है और बाबा को याद करना है और शरीर बन जाना है, तो सबको बहुत अच्छा लगता होगा मुझे आशा है उस स्टोरी से। उसके लिए टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी बाबा को याद करेंगे।